हमारे सभी देखने वाले साथियों को सलाम। हाँ तो गाइस, आज की वीडियो में आप लोगों को फुल रिव्यू देने वाला हूँ Xiaomi 13 Pro को MIUI 14.0.8.0 की अपडेट करने के बाद। अपडेट करने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट मिला है कैमरा में, बैटरी में, ओवरऑल परफॉर्मेंस में, चार्जिंग वगैरह में, दोस्तों क्या इम्प्रूवमेंट मिला है, क्या बग्स देखने को मिला है, ये अपडेट आपको अगर नहीं मिला तो कब तक देखने को मिलेगा और क्या ये अपडेट आप लोग को अपने फोन में करना चाहिए, इस तरह की सभी जानकारी मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में दे दूंगा। उसके लिए दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और जब आप लोग वीडियो को लाइक कर देते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। लाइक करके मुझे मोटिवेट किया करिए, कमेंट शेयर करके और ज़्यादा मोटिवेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके तो आप लोग मुझे सातों आसमान में चढ़ा देंगे तो मैं बहुत मोटिवेट हो जाऊँगा। तो प्लीज़ सारे काम एक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरा 14.0.8.0 की अपडेट करने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि हमें जो लास्ट वाला अपडेट मिला था MIUI 14.0.6, उसमें बैटरी की इशू देखने को मिला था। इस वजह से उस अपडेट को रोल बैक करके कुछ दिनों के अंदर में हमें 14.0.8.0 की अपडेट यहाँ पर रिलीज़ कर दिया गया है। ये अपडेट दोस्तों कुछ कुछ यूज़र्स को देखने को मिला है, कुछ रैंडम यूज़र्स को और जो पायलट टेस्ट उनको देखने को मिला है। इस अपडेट में जो सबसे पहला चीज देखने को मिलता है आप लोगों को वो एंड्रॉइड के सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। बाकी अपडेट के बाद से कुछ ब्लॉटवेयर को ऐड किया गया है, जैसा कि गेम सेंटर तो पहले ही देखने को मिल गया था और ओपरा ब्राउज़र आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। पर एक बात अच्छी यह है कि ओपरा ब्राउज़र को हम लोग अभी यहाँ पर अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लास्ट वाले अपडेट में ब्लॉटवेयर को ऐड किया गया था और उसे हम लोग डिसेबल भी नहीं कर पाते थे, पर इस अपडेट के बाद से हम लोग यहाँ पर इसे अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जब Xiaomi से कॉन्टेक्ट किया तो कुछ ये रिप्लाई उन लोगों का हमें देखने को मिला है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। बैटरी की दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, तो बैटरी में क्या देखने को मिला है, तो बैटरी यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। अगर दोस्तों स्क्रीन टाइम की बात कर लेते हैं तो हमें आराम से 6-7 घंटे के यहाँ पर स्क्रीन टाइम देखने को मिल जाता है और बैटरी बैकअप की बात कर लेते हैं तो आराम से 1-1.5 दिन यहाँ पर चल जाता है। हेवी यूज़ करेंगे तो 24 घंटे आपका फ़ोन की बैटरी चलेगा और नॉर्मल यूज़ करेंगे तो आराम से आप लोगों का 1.5 दिन यहाँ पर चल जाएगा। और स्क्रीन टाइम की दोस्तों बात कर लेते हैं तो स्क्रीन टाइम के जो फीचर्स है ना वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। यानी हमारे जो फ़ोन की सिक्योरिटी एप्लीकेशन है 7.7% जब जैसे आप लोग अपडेट करेंगे तो अपडेट करते ही जो हमारे बैटरी में SOT देखने को मिलता है, स्क्रीन टाइम देखने को मिलता है, उसे यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। और अकॉर्डिंग टू अलविन से वो बोलते हैं कि ये न्यू डिज़ाइन है, वेल विद दिस डिज़ाइन। मैंने ट्वीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस ट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, टैग करिए, Xiaomi वालों को टैग करिए, इतने में Xiaomi का ऑफिशियल पर्सन है सबको टैग करिए और बोलिए हम लोगों को कि स्क्रीन टाइम वाले जो फीचर्स हैं हमें वापस चाहिए, हमें उनका ये घटिया वाला डिज़ाइन जो है ना नहीं चाहिए, उनका जो डिज़ाइन है ना घटिया वाला इट्स बाई डिज़ाइन नहीं चाहिए, हम लोगों को पुराना डिज़ाइन ही चाहिए, स्क्रीन ऑन टाइम हमें हमारे बैटरी में देखने को मिल चाहिए तो अपडेट के बाद से उसे फिक्स कर दिया जाए। ऐसा मेरा Xiaomi वालों से रिक्वेस्ट है तो आप लोग इस वीडियो को भी शेयर करिए और उस ट्वीट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चार्जिंग टाइम की दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, तो मैंने अपने फ़ोन को 6% से लेकर 100% चार्ज किया तो मुझे यहाँ पर तकरीबन 33 मिनट का टाइम लगा है और वो भी मैंने अपने फ़ोन को बूस्ट चार्जिंग मोड को इनेबल करके 120 वाट की चार्ज से चार्ज किया जो यहाँ पर मुझे टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा है। टाइम क्यों ज़्यादा लगा दोस्तों उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, ये वाली वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, वहाँ पर आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि हमें 120 वाट की चार्ज से भी मुझे क्यों 10-15 मिनट का टाइम ज़्यादा लगा अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए। फोटोज़ की दोस्तों बात करें यहाँ पर कैमरा की बात कर लेते हैं तो टिपिकल सब कुछ वही देखने को मिलता है। कैमरा जो वर्सन है हल्का सा आप लोगों को यहाँ पर जो वर्सन है इम्प्रूव किया गया है जिसकी वजह से आपकी जो कैमरा भी है वो हल्का से यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। और इम्प्रूव की दोस्तों बात करें यहाँ पर तो जो फ्रंट कैमरा है ना वो मुझे माइनर सा इम्प्रूवमेंट लगा है। अगर हम लोग लास्ट बिल्ड से कंपेयर करें, पिछले वर्सन से कंपेयर करें तो जो सेल्फी कैमरा है ना मुझे यहाँ पर माइनर सा अपग्रेड लगा है। लो लाइट की बात करते हैं यहाँ पर डेलाइट की बात कर लेते हैं तो मुझे माइनर से यहाँ पर अपग्रेड लगा। बाकी आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में शेयर कर सकते हैं। रियर कैमरा की दोस्तों बात कर लेते हैं तो हमेशा की तरह जो 75mm की लेंस है और जो ब्लैक वन वाइट वाला जो लेंस है 50mm का वो दोस्तों मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और वही ज़्यादातर मैं अपने फ़ोन में यूज़ करता हूँ। बाकी जो भी कैमरा है 1x 2x 3.2x या फिर वाइड एंगल की कैमरा बात कर लेते हैं तो सारे कैमरा दोस्तों 50MP देखने को मिलता है, सब कुछ अच्छी तरह से काम करता है। मैं कुछ कैमरा सैंपल भी आपको यहाँ पर दिखाते चलूँ तो सारे फोटोज़ आपको काफ़ी कमाल के देखने को मिलते हैं। नाइट मोड की बात कर लेते हैं वहाँ भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर फोटो ले लेता है। वीडियो में दोस्तों बात करते हैं तो अभी भी हमें सेल्फी कैमरा में 1080p 30fps की सपोर्ट मिलता है, बैक साइड में हम लोग रियर कैमरा में 8K 24fps की सपोर्ट मिलता है जो काफ़ी अच्छी यहाँ पर फोटोज़ तो रियर कैमरा से ले लेता है वीडियो भी ले लेता है, पर सामने की जो वीडियो क्वालिटी है मुझे
अभी भी मज़ा नहीं आया। दोस्तों गेमिंग की बात कर लेते हैं, गेमिंग यहाँ पर काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिल जाता है, और गेमिंग के दौरान में आप लोगों को हल्का सा फ़ोन यहाँ पर वार्म होता है। चार्जिंग के समय में दोस्तों फ़ोन वार्म नहीं हुआ है, पर गेमिंग टाइम में आपको हल्का सा यहाँ पर वार्म देखने को मिलता है। पर मैं गेमिंग आपको यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो आप लोग हैं, वो गेम को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। इसी वजह से आप लोगों के कोई भी सवाल गेम्स के रिगार्डिंग नहीं आता है। आप जब भी कमेंट करते हैं सिर्फ अपडेट के बारे में पूछते हैं, तो इस वजह से मैं आप लोगों को गेमिंग यहाँ पर दिखा नहीं रहा हूँ। अगर आप लोगों को गेमिंग देखना है तो उसके लिए आप लोगों को कमेंट करना होगा, तो कमेंट करेंगे तो आप लोगों को मैं गेमिंग गेम प्ले भी करके आपको दिखा दूंगा किस तरह से गेम चलता है। पर अगर मैं अपने मुँह से कहूँ तो गेमिंग यहाँ पर अच्छा देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की दोस्तों बात कर लेते हैं, तो 8 Gen 2 तगड़ा प्रोसेसर है, अभी तक के एंड्रॉयड में सबसे पावरफुल प्रोसेसर है, सारे काम हमारे ये आसानी से कर देता है। और दोस्तों अगर बेंचमार्क स्कोर की बात कर लेते हैं तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। मैं लास्ट वाले बिल्ड से आप लोग कंपेयर दिखा देता हूँ कि लास्ट वाले बिल्ड में हमें Antutu क्या स्कोर देखने को मिलता है, लास्ट वाले बिल्ड में और आज के बिल्ड में हमें Geekbench स्कोर क्या देखने को मिलता है और CPU टोटल क्या देखने को मिलता है, सब कुछ आपके स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ से गेस कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसा देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों बात कर रहे थे अपडेट के बारे में, जिसके बारे में आप लोग पूछते ही हैं कि मेरे फोन में अपडेट नहीं आया, कब आएगा, क्यों नहीं आया। देखिए दोस्तों जब अपडेट आया था तो मैंने उसी दिन आप लोगों को शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दिया था कि हमारे फ़ोन में अपडेट आ गया था, और जिन जिन लोगों ने उस शॉर्ट को देखा था वो तुरंत अपने फ़ोन को यहाँ पर अपडेट कर लिए, क्योंकि उनके फ़ोन में नोटिफिकेशन मिला था, या फिर वो लोग हमारी कम्युनिटी को फॉलो करते हैं। यूट्यूब की जो कम्युनिटी है या फिर टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वहाँ पर मुझे फॉलो करते हैं, तो और मैं जैसे वहाँ पर अपडेट करता हूँ, नोटिफिकेशन मिलता है उनको, वो लोग अपने फ़ोन को अपडेट कर लेते हैं। तो जिन लोगों को नोटिफिकेशन मिला वो लोग अपडेट कर चुके हैं, जिन लोगों को नहीं मिला वो लोग आप लोग की तरह इंतज़ार में ही बैठे हुए, कभी तक अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो अभी तक अपडेट अगर आपके फ़ोन में नहीं मिला है तो 2-3 दिन में दोस्तों ये अपडेट फिर से आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस अपडेट में मुझे कोई मेजर इशू देखने को नहीं मिला। इशू होता तो इस अपडेट को यहाँ पर रोल बैक कर लिया जाता, पर अभी तक मुझे यहाँ पर कोई मेजर इशू देखने को नहीं मिला, तो ये अपडेट आपके फ़ोन में 2-3 दिन में देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर मैनुअली अपडेट करना चाहते हैं, कैसे अपडेट करना है, चैनल पे आप लोग को वीडियो देखने को मिल जाएगा, लिस्ट गाइड ट्यूटोरियल मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। तो ओवरऑल दोस्तों मुझे ये अपडेट काफ़ी अच्छा लगा है, बैटरी लास्ट वाले बिल से इम्प्रूव हो चुका है, और पहले की तरह फिर से बैटरी बैकअप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फोटोज़ यहाँ पर काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है, वीडियो भी अच्छा है, पर Xiaomi वाले से एक रिक्वेस्ट मेरा है कि फ्रंट कैमरा में, सेल्फी कैमरा में सपोर्ट दो 1080p 30fps क्यों लॉक किया गया है, हार्डवेयर कैपेबल है जब 4K के लिए तो 1080p 30fps क्यों लॉक किया गया है। तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें अपडेट के माध्यम से, सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इस फीचर को यहाँ पर अनलॉक किया जाए, और आप लोग भी शेयर करके हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाएं ताकि वो लोग भी देखें और वो लोग भी, उनको भी मालूम चल जाए कि पब्लिक की डिमांड है, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करेंगे तो उन लोगों को डिमांड नहीं मालूम चलेगा, और डिमांड नहीं मालूम चलेगा तो वो लोग अपडेट पुश नहीं करेंगे। तो बस यही दोस्तों इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करके कमेंट में बता दीजिए कि आप लोगों को ये वीडियो क्यों पसंद नहीं आया, ताकि मुझे भी समझ में आए, मैं भी इम्प्रूव करूँ, और कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और, आप लोग ये भी बताइएगा कि मैं वीडियो किस टाइम में पोस्ट करूँ, आप लोग किस टाइम पर वीडियो देखना पसंद करते हैं, सुबह का टाइम पर वीडियो देखना पसंद करते हैं, दोपहर को करते हैं, शाम को करते हैं, फिर रात में करते हैं, किस टाइम आप लोग वीडियो को ज़्यादा देखना पसंद करते हैं वो टाइम आप लोग कमेंट में मेंशन कर दिए, ताकि दोस्तों मैं कोशिश करूँ कि उस टाइम में मैं आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूँ, अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए लाया करूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा।